दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एम्बेडिंग कैसे करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में। ये एक हिस्टोपैथोलॉजी का बहुत इम्पॉर्टेंट जो है स्टेप है, जो हम प्रोसेस सैंपल प्रोसेस करने के बाद ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर मशीन से जो है करने के बाद में हमें जो प्रोसेस करनी होती है, जो प्रोसेस जो है एम्बेडिंग हम जो करते हैं जो है पैराफिन वैक्स से जो है करते हैं। इसको जो है हमें एल मोल्ड से बनाना होता है। इसमें जो है हमें हिस्टोपैथोलॉजी नंबर इसका लगाना होता है। तो सारा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो है शाम में कल जो है प्रोसेस लगाया हुआ था, जो ग्रॉसिंग के बाद में सारा कुछ हमने प्रोसेस लगाया हुआ था इस मशीन में, जो हमारा ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। तो ये आपको दिख रहा होगा जो प्रोग्राम एंड हो चुका है, पूरा जो है इसका प्रोसेस हो चुका है, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इनफिल्ट्रेशन एंड इंप्रेगनेशन। तो हमें अब क्या करना है, ये जो प्रोग्राम एंड हो गया है इसको फिर हमें लॉक कर, जो लॉक हुआ रखा है इसको हमें जो है स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद में इसको जो है मशीन हमें जो आपको एरो दिख रहा है अप वाला, तो इस अप को हम प्रेस कर देंगे, बटन को दबा देंगे, तो आप देख रहे हैं मशीन जो है इस तरीके से ऊपर आ जाएगा। जो हमने सैंपल लगाए हुए हैं प्रोसेस के लिए, ये जो प्रोसेस हो चुके हैं तो इनसे जो है हमें ब्लॉक बनाना है। तो हमारे जो है पहला वाला जार है बैक्स का, तो इसमें हमने जो है टाइमिंग डबल कर दी है, दूसरे वाले जार में हमने प्रोग्राम नहीं किया हुआ है। आप चाहें तो ये दूसरा वाला जार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो जो है हमारा प्रोसेस हो चुका है। तो इस जार में सारा कुछ सैंपल रखा हुआ है स्टील की जो कैसेट में, तो हम इसको जो है इस तरीके से निकाल लेंगे। निकालने के बाद में हमें क्या करना है, ये जो कैसेट है इनको हमें इमीडिएट खोल लेना है। खोलना इसलिए है क्योंकि अगर हम इसको नहीं खोलेंगे तो जो है बैक्स जो है आखिरी वाला जार था उससे होकर जो आया है, अगर इसको नहीं खोलेंगे तो इसका जो हिस्टोपैथोलॉजी नंबर है वो बैक्स में जो क्या है वो टूट सकता है, बैक्स जो है सब सूख जाएगा तो जो है टूट सकता है। तो इसलिए हमें जो है सारा जो स्टील की कैसेट जिनमें सैंपल रखा हुआ है, स्पेसिमेन जो रखा हुआ है, तो हमें जो है सारा कुछ खोल लेना है। और हम स्टील की जगह अगर हम प्लास्टिक की कैसेट यूज़ करना चाहें तो प्लास्टिक की भी कैसेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें जो स्टील की कैसेट यूज़ की है। तो हमें क्या करना है, ये हमारे पास पैराफिन बैक्स होना चाहिए, तो उसको हमने जो इलेक्ट्रिकल हीटर पे रख दिया है जिससे कि ये पिघल जाए। 60 डिग्री सेंटीग्रेड हमने इसका जो है टम्परेचर किया रखा है। ये आप देख रहे हैं पैराफिन बैक्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है 60 से 62 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो हमें जो है इतना टम्परेचर रखना है जो हमारा बैक्स पिघल जाए। तो आप बैक्स देख रहे होंगे ये सॉलिड टाइप का जो है आता है, इसको हमें छोटे छोटे पीस करके जो है तोड़ के इसको हमें मेल्ट करना है 60 से 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हमें जो है इससे हमें क्या करना है, ब्लॉक बनाना है जो हमने मेल्ट किया हुआ बैक्स है। हमारे पास एक जो है आइस होनी चाहिए। आइस का एक इम्पॉर्टेंस है, जो यल मोल्ड हैं जो ब्रास मेटल के जो बने होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं यल मोल्ड हैं, एक साँचा है जिनसे हमें ब्लॉक बनाना है। ये जो है ब्रास मेटल के बने होते हैं और स्टील के भी होते हैं, बट ये जो है ब्रास मेटल के बने हुए हैं। ये लेवकार्ट एक साइंटिस्ट हैं, उनके नाम से जो साँचा है यल मोल्ड, तो इनको आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा जो है कर सकते हो। अगर आपका टिश्यू कोई बड़ा है तो आप बड़ा कर सकते हैं इस ब्लॉक जो साँचा है यल मोल्ड है जो ब्रास मेटल का बना हुआ है ये। और जो दूसरा है स्टील का, हम स्टील का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा टिश्यू है, अगर इस जो इसमें नहीं आ रहा है तो हम इसमें भी जो है ब्लॉक बना सकते हैं। तो इस आइस पे हमें जो सारे जो ब्रास मेटल के बने हुए यल मोल्ड हैं इनको जो है हमें ठंडा करना होता है। ठंडा हम इसलिए करते हैं जो कि हम ब्लॉक बना लें तो जल्दी से ठंडा हो जाए, इस वजह से हमें इसको ठंडा करना होता है। ठंडा जो हमें तब तक हो रहा है। और एक जो न्यूअर टेक्निक है जो एडवांस, इनमें जो है एक्यूरेसी अच्छी आती है, ये जो स्टील के साँचे हैं स्मॉल वाइस्पी के लिए,
इसमें हम स्मॉल वेस्पी जो है इसका ब्लॉक बना सकते हैं। ये जो स्टील का आपको दिख रहा है, इसमें हमें क्या करना है, नीचे जो है सैंपल रख देना है और ऊपर से ये जो कैसेट ये जो दिख रहा है आपको प्लास्टिक का, तो इस तरीके से इसको इसके ऊपर रख देना है। नीचे यहाँ पे सैंपल रख देना है आपको और ऊपर से इस कैसेट को रख देना है, ऊपर से फिर बैक्स डाल देना है, तो हमारा जो है ब्लॉक बनके तैयार हो जाएगा। तो एक जो है न्यूअर टेक्निक है, तो हमारा जो है ये ठंडा हो चुका है यल मोल्ड, तो हमें जो है यल मोल्ड सारे बना लेने हैं जितने हमें जो है ब्लॉक ये जो बनाने हैं पैराफिन बैक्स के। तो इस तरीके से हमें अपने हिसाब से अगर कोई बड़ा टिशू है तो बड़ा बना लेना है, अगर कोई छोटा टिशू है तो छोटा बना लेना है। तो इस तरीके से जो है हमें यल मोल्ड बना लेना है। तो हमने जो है यल मोल्ड बना लिए हैं, अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास स्पेसिमेन है कैसेट में, इसको क्या करना है, एक बार जो है मेल्टिंग बैग्स में इसको डालना है। ये हम इसलिए डालते हैं जिससे कि जो हमारा हिस्टोपैथोलॉजी नंबर है ये जो बैग से सूख गया था, तो ये ठीक से ये जो पता लग जाएगा हमको जो हिस्टोपैथोलॉजी नंबर है ये टूटेगा नहीं। तो हमारे पास ये जो स्पेसिमेन है आपको ये दिख रहा है, तो स्पेसिमेन को हमें ब्लॉक इस तरीके से बनाना है जो हमें माइक्रोस्कोप में जो सरफेस देखना हो उस सरफेस को हम नीचे रख देंगे, उस ब्लॉक में उसको जमा देंगे। तो ये जो हमारे पास एक सैंपल है फाइब्रॉइड का है, यूट्रस फाइब्रॉइड का, तो हम इसमें क्या करेंगे, बैक्स जो है आधा भर देंगे इस सांचे में। आधा भरने के बाद हमें क्या करना है, ये जो स्पेसिमेन है इसको हम रख देंगे, इसको इस तरीके से हम रख देंगे जो कोई भी सरफेस ऊपर ना हो, प्रॉपर तरीके से उसको दबा देना है जो पूरी सरफेस स्लाइड पे आ जाए और अच्छे से माइक्रोस्कोप में दिख पाए। तो हमने जो ब्लॉक बना दिया है और इसका जो हिस्टोपैथोलॉजी नंबर था हमने अभी उस पर लगा दिया है जिससे कि कोई भूल ना हो, ब्लॉक हुए ना उस पेशेंट का। हमारे पास जो एक दूसरा जो है स्पेसिमेन है एक गॉलब्लैडर का है, तो गॉलब्लैडर को इस तरीके से हमको जमाना होता है जिसका जो ल्यूमन है गॉलब्लैडर का, जो म्यूकोज़ा है वो हमको दिख पाए। तो हमें गॉलब्लैडर को इस तरीके से खड़ा करके इसमें रखना है हाफ भरने के बाद में, ये जो यल मोल्ड है इसमें हमने हाफ भर लिया है बैग्स। इसके बाद में इस तरीके से हमें अलग अलग जो है इसका नेक बॉडी फंडस, ये जो है सैंपल स्पेसिमेन जो इसका होता है, तो अलग अलग इसमें जो है हम इसको रख देते हैं खड़ा टाइप का। ये जो ब्लॉक इस तरीके से बनाना होता है इसका गॉलब्लैडर का, अगर हमारे पास कोई ऐसा सैंपल स्पेसिमेन हो जिसमें स्किन हो तो हमें ध्यान रहे स्किन को भी माइक्रोस्कोप में देखना होता है। अगर कोई हमारे पास ऐसा स्पेसिमेन है तो हमें इस तरीके से ब्लॉक जमाना है जो उस स्पेसिमेन का स्किन भी दिख जाए और जो टिश्यू है वो भी दिख जाए, मतलब उस स्लाइड पे आ जाए। अगर हम इसको खड़ा खड़ा रखेंगे तो जो ब्लैक आपको स्किन दिख रही है वो नहीं आएगा, अगर हम इस तरीके से रख दें तो स्किन भी दिख जाएगी और जो एक्स्ट्रा उसका स्ट्रक्चर है वो भी दिख जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक प्रोसेस है, पहले हमको आधा भरना है जो है मेल्टिंग बैग्स, इसके बाद में हमको जो है फ्लैट स्पेसिमेन उसको रख देना है नीचे करके, प्रेस करके दबा के उसको रख देना है जो कि जो स्किन भी आ जाए और उसका जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है वो भी आ जाए। तो इस तरीके से हमने उसका हिस्टोपैथोलॉजी नंबर दे दिया। एक हमारे पास एक ये ट्यूब का स्ट्रक्चर है स्पेसिमेन है, तो इसको हमें किस तरीके से रखना है, इसका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो माइक्रोस्कोपी में देखना होता है, अगर कोई यूरेटर है किडनी की या कोई फलोपियन ट्यूब है या कोई अपेंडिक्स है, तो उसको जो है हमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है नीचे शो होना चाहिए, उसका जो है अंदर का ल्यूमन है वो जो है माइक्रोस्कोपी में दिखना चाहिए। तो हमें उसको इस तरीके से रखना है जो उसका ल्यूमन भी माइक्रोस्कोप में हम देख पाएँ। तो हमने जो है ये जो स्ट्रक्चर था हमारे पास फलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर है स्पेसिमेन था, तो हमने इसको इस तरीके से जो है रख दिया है जिसका ल्यूमन भी इसमें दिख जाएगा। इसका जो फिर हिस्टोपैथोलॉजी नंबर है हम इसको दे देंगे। इस तरीके से हमें जो ब्लॉक बनाने होते हैं एम्बेडिंग इस तरीके से हमें करना होता है। तो ये जो स्मॉल वाई एस पी है
तो इसमें हमें क्या करना है, हमारे पास जो स्टील का सांचा है इसमें हमने जो है बैक्स भर दिया है और नीचे जो है स्पेसमैन जो स्मॉल वेस्पी थी उसको हमने रख दिया। इस तरीके से हमें जमाना है इस ब्लॉक को। इसके ऊपर से हमने क्या किया, ये जो प्लास्टिक का ये जो मटेरियल है इसको हमने ऊपर से रख दिया है और इसमें ऊपर से जो है बैक्स भर दिया है। तो इस तरीके से ये वाला जो है टेक्निक है, इस तरीके से हम इसमें ब्लॉक बनाते हैं तो इसमें जो है अच्छे से ट्रिम हो जाता है और टिशू जो है बहुत अच्छे तरीके से हम ट्रिम कर सकते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ब्लॉक, ये जो कोर नीडल वायस्पी है, ये जो आपको धागे टाइप का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो हमें जो इस तरीके से इसको सारा ब्लॉक बना लेना है। जब ये जो ठंडे हो जाएं लगभग 20 मिनट के बाद में ये सारा जो है हमें येल मोल्ड जो है हटा लेना है। तो इस तरीके से हमें जो है स्मॉल वायस्पी हो या लार्ज वायस्पी हो या मीडियम वायस्पी हो तो इस तरीके से जो हमें ब्लॉक बनाना है, एम्बेडिंग करना है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है हिस्टोपैथोलॉजी का। तो इस तरीके से जो है हम ये प्रोसेस करते हैं। और भी इसके स्टेप होते हैं, ऑटोमेटिक टिशू प्रोसेसर में जो है 12 जार होते हैं, तो सारा कुछ मैं आपको इसकी अलग वीडियो बना कर दे दूँगा। कैसे जो है ग्रॉसिंग होती है और कैसे जो है माइक्रोटोमी होती है, वो आपको वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी पहले से बना हुआ है मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमने सारा ये ब्लॉक बना लिया है, इसका हमने हिस्टोपैथोलॉजी नंबर जो है इस पर दे दिया है। एक ये स्मॉल वायस्पी है, इसको चाहें तो हम इसमें भी बना सकते हैं इस येल मोल्ड में। तो इस तरीके से हमने इसमें बैक्स जो है भर दिया है और इसमें जो स्मॉल वायस्पी हमारा जो था इसको हमने इस तरीके से इसमें लगा दिया है। उसमें जो है थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो चाहें तो हम इसमें भी बना सकते हैं। तो हमने क्या किया है, हमारे जो ब्लॉक ठंडे हो गए हैं तो इसके बाद में हमें इसका जो हिस्टोपैथोलॉजी नंबर इस पर लगाना है। तो जो ब्लॉक हमने बनाया है इसके टॉप पे जहाँ पे टिशू है नीचे नहीं लगाना है, इसके टॉप पे ऊपर वाली साइड पे हमें जो है इस तरीके से नंबर इस हीटर से इसको जो है हमें चिपका लेना है, जो भी हमारा हिस्टोपैथोलॉजी नंबर हमने दिया था। तो इसको इस तरीके से इसको हम तीनों साइड में इसको चिपका लेंगे। तो इसको जो ठीक से चिपकाना है, नहीं तो ये जो अगर हट गया नंबर तो जो है दिक्कत वाली बात है। इसको जो है 5 साल या 10 साल हमको जो है स्टोर करना होता है। तो आपको जो दिख रहा है जहाँ पर टिशू था वहाँ पर हमने नहीं चिपकाया, इसके टॉप जो है बॉटम पे जो हमने ऊपर चिपकाया है। तो इस तरीके से हमें सारे ब्लॉक जो है चिपका लेने हैं। जहाँ पर जो नीचे टिशू हमें माइक्रोटोमी करनी है, जैसे जहाँ पे ट्रिमिंग करनी है, तो उस एरिया पे हमको नहीं चिपकाना है, उसके ऊपर वाले एरिया पे हमें टॉप एरिए पे इसको जो है चिपकाना। आप देख पा रहे हैं जो टिशू नीचे है जहाँ हम ट्रिम करेंगे और जो हमने चिपकाया हुआ है सारा जो है टॉप पे इसको चिपकाया हुआ है। तो उस पेशेंट का हमने जो है नंबर हिस्टोपैथोलॉजी नंबर उसको दे दिया है। तो इस तरीके से जो है सारा हम एम्बेडिंग प्रोसेस करते हैं पैराफिन बैक्स से। और हमने जो है स्टील वाली जो स्मॉल वायस्पी जो बनाई हुई थी, ये ब्लॉक जो है हमने उस स्टील के सांचे से निकाल लिया है। उसे जो हम इस तरीके से मार्कर से जो है नंबर इसमें डाल सकते हैं, चाहे हम पहले भी डाल सकते हैं, तो इस तरीके से भी इसमें हम इसमें डाल सकते हैं। तो हमारा जो है ये प्रोसेस इस तरीके से जो होता है एम्बेडिंग। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो। हिस्टोपैथोलॉजी की सारी वीडियो हमारे जो है चैनल पे जो हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर देखें, उसमें माइक्रोटोमी, ब्लॉक मेकिंग, टिशू प्रोसेसिंग जो है किस तरीके से करते हैं, सारा जो हमने स्टेप बाय स्टेप आपको अलग अलग वीडियो में बताया हुआ है। तो आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो किस तरीके से हम जो है स्मॉल वायस्पी, लार्ज वायस्पी, मीडियम वायस्पी जो है किस तरीके से हम ब्लॉक बनाते हैं। तो जो है वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।